खबर फर्रुखाबाद जनपद से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान जनपद को एक लिंक रोड देने की घोषणा कर दी। दरअसल काफी लंबे समय से जनपद से गंगा एक्सप्रेसवे न गुजरने से भारी आक्रोश पैदा हो रहा था। जिले की जनता इसका बड़ा विरोध मंच से कर रही थी। व्यापारी नेता मोहन अग्रवाल ने तो बड़े मोर्चे पर गंगा एक्सप्रेसवे न लाने का विरोध किया था। किसान व व्यापारी इसको लेकर काफी आहत थे कि यदि एक्सप्रेसवे उनके जिले से होकर गुजरे तो उनके काम में आसानी होगी और जिले का विकास भी होगा। लेकिन समय रहते जनप्रतिनिधियों ने दमदारी यह बात आलाकमान के सामने नहीं रख पाई और जिसके परिणाम स्वरूप एक्सप्रेसवे जिले से दूर चला गया। जन विश्वास यात्रा में सीएम के सामने सांसद मुकेश राजपूत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गंगा एक्सप्रेसवे के लिए लिंक रोड तेज जाने की मांग रखी। सीएम ने जब अपना संबोधन दिया तो घोषणा कर कहा कि यदि सरकार बनी तो गंगा एक्सप्रेसवे को लिंक रोड से जोड़ा जाएगा। सदर विधायक के भाषण में अपने क्षेत्र में विकास का जिक्र नहीं। सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने मंच से भाषण दिया तो दिल्ली और लखनऊ में हुए विकास कार्यों की चर्चा की, लेकिन अपनी विधानसभा में कराए गए किसी के विकास कार्य का नाम नहीं ले सके, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस जन विश्वास यात्रा के माध्यम से जो हमारे मुख्य अतिथि आए उनको बदल मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी का, श्रीकांत शर्मा जी का भी बहुत बहुत आभार। माननीय मानवेंद्र सिंह जी, नेतागण, पदाधिकारीगण, सामने खड़े बैठे पूजा के अवसर के बुजुर्गों, सभी सम्मानित नौजवान भाइयों और बहनों, छायाकार पत्रकार बंधुओं, आम आदमी मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए। मैं एक बार फिर से जन विश्वास यात्रा के साथ जुड़ के भारी संख्या में आने के लिए आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं जानता हूँ पीछे बहुत सारे नौजवान हैं जिनको जगह नहीं मिल पा रही है, एकदम समुद्र की तरह हिलोरे दे रहा है पीछे, समुद्र की तरह पीछे हिलोरे दे रहा है।